वेलकम टू लाउट वाला महफूज। तो अभी विंटर यूनिफॉर्म आया, चारों यूनिफॉर्म से कौन सा यूनिफॉर्म अच्छा है वो बताऊंगा। ओनली फोर यूनिफॉर्म, चारों यूनिफॉर्म कितना यूज़फुल रहेगा आपका रोस्टर के लिए, एंड यूनिफॉर्म कैसे मिलेगा रियल्स पर मैंने स्पेंड करना पड़ेगा, 10 टोकन तो मिलेगा, बाकी जितना भी यूनिफॉर्म। अभी मुझे 3 यूनिफॉर्म चाहिए तो मुझे टोटल एक यूनिफॉर्म के लिए 3000 रुपया, तो तीनों यूनिफॉर्म के लिए 9000 रुपया ऐसा स्पेंड करना पड़ेगा। ओके, ये चारों यूनिफॉर्म से कैसा मिलेगा मैं पहला बता देता हूँ। टोकन चाहिए ब्लैक विंटर टोकन, विंटर टोकन के लिए आपको पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास टोकन नहीं है, नॉट हैनफ टोकन, तो टोकन किधर से मिलेगा ऑलरेडी वीडियो बनाओ, वापस मैं बोलूँगा एक बार नहीं अब 10 बार क्वेश्चन पूछूँ मैं बोलूँगा। देखो इवन शॉप में जाने का रियल पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, मिनिमम आपको एक यूनिफॉर्म के लिए 3000 स्पेंड करना पड़ेगा। ओके समझ गए, 3000। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो फिल कोल्सन का पैक परचेस करें, इसमें से आपको फिल कोल्सन का भी मिल सकता है, जाके तुरंत परचेस मत करो, पैसा स्पेंड करना आपके ऊपर डिपेंड है। पहले ही बता देता हूँ आपका पैसा है, आप मेहनत किए हैं, आपका मम्मी पापा मेहनत किए रहेंगे, आपको मेहनत किए रहेंगे, आपका पैसा है, स्पेंड करना आपके ऊपर डिपेंड रहता है, बट कैसा किस में से कैसा मिलेगा वो मैं बताऊंगा। देखो आपको मिनिमम 3000 स्पेंड करना पड़ेगा जिससे आपको 30 टोकन मिलेगा, जिससे एक ही यूनिफॉर्म आएगा। अभी मुझे चारों यूनिफॉर्म चाहिए तो 12000 स्पेंड करना पड़ेगा, रियल बड़ी गाइस, नॉट क्रिस्टल नहीं, रियल मनी 12000 स्पेंड करना पड़ेगा। अभी मैं किसी को एनकरेज नहीं करूँगा, किसी को फोर्स भी नहीं करूँगा, 12000 मतलब छोटा रकम नहीं है, छोटा पैसा नहीं है, 12000 एक जन का सैलरी हो सकता है, बट उस जो तो गेम में इतना स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। मैं खुद स्पेंड करता हूँ मैक्स टू मैक्स 400, वो भी स्टार स्टैक पैक परचेज करता हूँ। मेरे हिसाब से मैजिक यूनिफॉर्म स्किप बोलूँगा, शी इज़ नॉट सो वर्थी, शी इज़ नॉट सो गुड, मेरे हिसाब से स्किप बोलूँगा, मैजिक इज़ नॉट गुड, विदाउट मैजिक ऑल्सो आप गेम खेल सकते हैं गाइस। यस गाइस डोंट स्पेंड इन मैजिक, स्किप बोलूँगा, तुरंत बोल रहा हूँ स्किप। आप पूछ सकते हैं भाई आप भी दूसरे जैसे दूसरा कंटेंट क्रिएटर जैसे ही बोल रहे, बट मैं तो रोक का यूनिफॉर्म रिकमेंड करता हूँ गाइस, रोक यूनिफॉर्म अच्छा है तो परचेस कर सकते हैं बोलूँगा। एंड सभी लोग नहीं जो पैसा स्पेंड करेंगे 2000-3000 स्पेंड कर सकते हैं, वो लोग जिसको पास ज़्यादा पैसा रहेगा आपका आपके ऊपर डिपेंड रहता है, उन लोग को रोको रिकमेंड करता हूँ। लेकिन मैजिक अभी के टाइम पे मत करो, डोंट स्पेंड इन मैजिक। ओके गाइस डोंट स्पेंड इन मैजिक, रोक तो अच्छा है बोला था रियली ऑसम है, रोक छोड़ दो ब्लैक कैट, ब्लैक कैट इज़ रियली गुड, लेकिन मेरे हिसाब से इसको टियर 3 ना मिलने के कारण इसको पीछे जा रही है। ब्लैक कैट इज रियली गुड फॉर डिस्पैच, डिस्पैच के लिए अच्छा है गाइस, फॉर लीडरशिप रहने दो, विलन एलाइज के लिए ऑल अटैक एंड इग्नोर डॉज दे रही है, एंड पैसिव रहने दो ऑल डीबफ, रियली ऑसम है, लेकिन टियर 3 ही नहीं है, ट्रांसेंडेंट भी नहीं है। मे बी इन फ्यूचर टियर 3 ट्रांसेंडेंट होगा, यूजफुल रहेगा, लेकिन अभी के टाइम पे इसमें इन्वेस्ट मत करो। यस गाइस कोई भी यूनिफॉर्म है ना फ्यूचर देख के प्रेडिक्ट करने से इसको कभी मिलेगा, मे बी 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा मत करो, डोंट परचेस, स्किप ब्लैकआउट ऑल्सो। एंड नेक्स्ट यूनिफॉर्म इज गोइंग टू बी व्हाइट फॉक्स, व्हाइट फॉक्स इज रियली ऑसम, मैं इसको रेकमेंड कर सकता था, लेकिन अभी इतना आके इतना 1 साल एक क्या 2 साल हो गया कि इसको न्यू यूनिफॉर्म मिल सकता है, कभी मिलेगा आई डोंट नो, मे बी न्यू ईयर क्रिसेंट व्हाइट फॉक्स को कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, तो अभी के टाइम पे व्हाइट फॉक्स को मैं रेकमेंड हाँ भी बोलूँगा ना भी बोलूँगा। क्यों ना बोल रहा हूँ, इसको रिप्लेस करने के लिए न्यू यूनिफॉर्म आएगा, अभी कितना दिन में आएगा अगले साल तो निकाल देंगे गाइस, बिकॉज नेट मार्बल लोग है ना नॉर्मली, देखो शरण रजो को मिल गया, अभी है बाकी तो है क्रसेंट एंड व्हाइट फॉक्स, विच ऑल कैरेक्टर फेवरेट फॉर देम, फेवरेट कैरेक्टर है, तो व्हाइट फॉक्स को कभी भी मिल सकता है नेक्स्ट ईयर, कभी भी ये लोग सपोर्ट कर सकते हैं, ग्रेट सपोर्ट हो सकती है वापस, और पुराना यूनिफॉर्म है इसको परचेस नहीं किया, बेस यूनिफॉर्म से भी काम चला सकते हैं आप, तो लेट ये वाला भी यूनिफॉर्म में नहीं बोलूँगा गाइस, थोड़ा रुको, इसको तुरंत मिलेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ इसको यूनिफॉर्म मिलेगा। तो एट लास्ट ग्वेनपूल यूनिफॉर्म, ग्वेनपूल यूनिफॉर्म रियली अच्छा है, लेकिन टियर 4 आ गया है, जब ये यूनिफॉर्म रिलीज़ हुआ ना तब टियर 4 नहीं था, ऑसम कैरेक्टर था, यूनिफॉर्म स्किल्स रहने दो, डैमेज रहने दो, बहुत अच्छा था, लेकिन अभी टियर 4 आने के बाद टियर 3 का उतना वैल्यू नहीं है गाइस। अभी स्पीड फीमेल में देखेंगे तो लूना स्नो है, रोग आ गई, एंड उसके बाद स्पाइडर ग्वेन है, उसके बाद शैडो शेल है, गमोरा है, बहुत सारा कैरेक्टर है। अभी देखो नॉर्मली स्पीड क्लास में देखो, अभी मैं आपके पास मेरे पास रोग नहीं है, नॉट रोग में परचेस नहीं किया, अभी मैं मिस कर लिया सोच लो, अभी रोग का यूनिफॉर्म सेल है ना, मेरे पास तो 30 टोकन नहीं है, मैं परचेस नहीं किया, स्किप किया, एंड मेरे पास लूना स्नो भी नहीं है विंटर यूनिफॉर्म, तो क्या करूँगा, उसके बजाय मैं स्पाइडरगन को लूँगा, स्पाइडरगन नहीं तो गमोरा ले सकता हूँ, गमोरा नहीं तो शैडोशेल। देखो ऐसा पहले देखो स्पाइडरगन को रेकमेंड करूँगा, बिकॉज स्पाइडरगन सबके पास रहना चाहिए, यूनिफॉर्म सेल है, यूनिफॉर्म सेल का वीडियो आएगा, थोड़ा रुको, बट अभी भी मेरे पास रोग नहीं है,
एंड मेरे पास लोनोस्नो से यूनिफॉर्म नहीं है, तो क्या करूँगा? स्पीड क्लास के लिए, स्पीड क्लास इज रियली गुड फॉर फीमेल कैरेक्टर, रियली गुड फॉर एबेक्स एबीएल, एबेक्स एल में अच्छा रहेगा तो वाइल्ड बॉस में यूज़ कर सकते हैं, तो दूसरा कैरेक्टर यूज़ करूँगा। फॉर एग्जाम्पल एक कैरेक्टर पर रेकमेंड करूँगा, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक स्पाइडरगॉन। नंबर वन जगह पर फ्री टू प्लेयर गॉडली बोलूँगा, स्पाइडरगॉन ऑसम कैरेक्टर है। उसके बाद बोलूँगा गमोरा, नॉट सैटो शेल, गमोरा रियली ऑसम है, गार्डन द गैलेक्सी 3 का गमोरा है। सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे स्पाइडरगॉन आएगा, थर्ड नंबर पे शैडो शेल। ऐसा बहुत सारा कैरेक्टर है, रिप्लेस करने के लिए बहुत सारा यूजफुल कैरेक्टर है। तो मेरे हिसाब से रोग भी अच्छा है, बोलूँगा रेकमेंड करूँगा, जो पैसा स्पेंड करेंगे, जिसके पास नहीं है दूसरा कैरेक्टर से भी यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो दिस इज़ अ वे, दिस इज़ अ माई रिव्यू फॉर 4 न्यू यूनिफॉर्म, नॉट न्यू यूनिफॉर्म, ओल्ड यूनिफॉर्म। मेरे हिसाब से अभी का टाइम पे चारों यूनिफॉर्म बेकार है, गुनपिल रहने दो, व्हाइट फॉक्स रहने दो। फाइनल कंक्लूजन यही है कि अभी के टाइम पे चारों यूनिफॉर्म में उतना यूजफुल नहीं है, वैल्यू नहीं है। मैं ओनली व्हाइट फॉक्स को रेकमेंड करूँगा, लेकिन अभी का टाइम पे व्हाइट फॉक्स को कभी भी टीयर 4 मिल सकता है, या तो सपोर्ट का अच्छा सपोर्ट यूनिफॉर्म मिलेगा बस। तो इसके लिए मैं इसको भी थोड़ा होल्ड करके रखा हूँ, बट आपको स्पेंड कर सकते हैं तो करो गैस। बाकी दूसरा ब्लैक कैट या तो मैजिक हॉली गुवेनपुल में स्पेंड मत करो, तीनों यूनिफॉर्म बहुत बेकार है। तो दैट्स माई वीडियो आज के वीडियो में इतना है गैस, आपको समझ में आ गया रहेगा आई होप। तो मेरे वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।